अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए फॉर फ्यूचर अपडेट्स के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जो डीएवी का सीबीटी प्रोसेस चल रहा था, इसका जो ऑल ओवर एग्ज़ाम्स थे 27 मार्च को ऑल ओवर हो चुके थे और आज 28 है और आज इनका जो रिज़ल्ट है वो अनाउंस हो गया है। सबसे पहले तो उन बच्चों को कंग्रेचुलेशन जिन्होंने ये एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है। अगर किसी का नहीं एग्ज़ाम क्वालिफाई हुआ तो वो हमसे कांटेक्ट कर सकता है फॉर फर्दर पोस्ट, वो कैसे अप्लाई करेगा, स्पेशली विच आर ऑलरेडी डूइंग जॉब इन डीएवी। सो आपका भी अगर सीबीटी क्वालिफाई हुआ था ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि आपका जो सीबीटी है कौन से स्पेक में क्वालिफाई हुआ है, इंक्लूडिंग अपना डेजिग्नेशन लाइक पीआरटी, टीजीटी या देन पीजीटी इंक्लूडिंग सब्जेक्ट। लाइक जो मैंने क्वालिफाई किया है, मैंने क्वालिफाई किया है पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी कंप्यूटर साइंस, ऐसे आप लिखेंगे टीजीटी पीजीटी जो भी आपका पर्टिकुलर सब्जेक्ट रहेगा उसके रिगार्डिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देख सकते हैं जो पूरा इंटरफेस आपके सामने थंबनेल शो कर रहा है फेज टू, इसमें देखिए ये मैं ऑल सब्जेक्ट्स की बात कर रहा हूँ। जैसे आपका पता है कि ये जो एग्ज़ाम्स था टीचिंग एंड म्यूनिसिपल पोस्ट का था और ये जो आपका सीबीटी हुआ था ये स्टेट वाइज जो है आपका इसमें सिलेक्शन होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैं बिलोंग करता हूँ पंजाब स्टेट से और जो मैंने उसमें स्टेट फिल की थी, मैंने पंजाब फिल की थी, तो मैं ऑल ओवर पंजाब में किसी भी डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई कर सकता हूँ, लेकिन आउटसाइड पंजाब में अप्लाई नहीं कर सकता बिकॉज जो मेरा सीबीटी का जो पैक सर्टिफिकेट है, इसका मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया है कि पैक सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड करेंगे, सो मैं यहाँ पर वो टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। सो जो भी आपका स्टेट रहेगा, जो आपका क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट है जिसका स्कोर कार्ड पैक भी बोल सकते हैं प्रोविजनल एलिजिबिलिटी कार्ड, तो उस पर जो स्टेट है उसी स्टेट में आप अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ पैक की वैलिडिटी आपकी 1 ईयर या 3 ईयर है, इसकी वैलिडिटी के रिगार्डिंग आप हमें ज्वाइन कर लीजिए, उसके रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन उस पर अपडेट कर दूंगा आपको कि इसकी वैलिडिटी। तो वैसे जो आपका रिजल्ट अपडेट हुआ है पैक में आपकी वैलिडिटी दी गई है मार्च 24 से लेकर मार्च 25 तक। नाउ इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें, इसमें जो भी आप पोस्ट के लिए अप्लाई किया है पीआरटी है टीजीटी है पीजीटी है इन एनी सब्जेक्ट, जो भी आपका सब्जेक्ट रहेगा टीचिंग सब्जेक्ट, उसमें आपकी बीएड कंपलसरी है एंड आल्सो फॉर कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस के लिए वैसे पीजीटी के लिए नहीं है, यहाँ मैंने पीजीटी के लिए भी कर दिया। पीजीटी के लिए आपकी यहाँ जो है पीजीटी लिखी है, लेकिन पीजीटी के लिए आपका जो फर्दर प्रोसेस है मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या आपका नहीं जाएगा। तो मैं बोल रहा था कि जो आपका कंप्यूटर साइंसेस में बीएड नहीं होती, लेकिन इस बार इन्होंने जो डीएवी के नॉर्म्स है अकॉर्डिंग टू लेटर नंबर 2019 में एक सर्कुलर निकला था, अगर आपको उसका ऑफिशियल चाहिए तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, उस पर मैं आपको पूरा प्रूफ बता दूंगा कि जो कंप्यूटर टीचर्स उनके लिए भी बीएड कंपलसरी है एंड आल्सो अदर पोस्ट के लिए तो है ही है। और अगर आपने परमानेंट होना है इन एनी पोस्ट तो उसके लिए सी टेट या एस टेट जो भी आपका स्टेट का रहेगा वो क्वालिफाइड होना चाहिए अकॉर्डिंग टू जो भी आपकी कैटेगरी होती है। और यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको और क्लेरिफाई कर दूँ कि आपका ये जो सिलेक्शन है ये आपका पोस्ट उसके अकॉर्डिंग कैटेगरी वाइज नहीं होगा कि जो जनरल वाले उनको इतना रखा जाएगा, एससी वालों को इतना, बीसी वाला, इसका कोई क्रिटेरिया नहीं है। वो क्रिटेरिया सिर्फ आपका यहाँ पर मैटर करेगा सी टेट और एस टेट में। सो सबके लिए सेम है, कोई यहाँ कैटेगरी सिस्टम नहीं है। आपने देखा कि जो फॉर्म फिल किए थे उसमें भी कोई कैटेगरी सिस्टम नहीं था। सो बीएड आपकी कंपलसरी है। काफ़ी बच्चों को डाउट है कि हमने डीएलएड की है कि वो भी वैलिड है या नहीं है, तो उसके लिए भी आप हमें ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपकी ये जो क्यूरीज हैं उसके सोल्यूशन मैं अपलोड कर दूँगा। नाउ एस टेट और आपका जो सी टेट है स्टेट का टेट है, ये आपका पीआरटी के लिए टीजीटी के लिए ज़रूरी है, कंपलसरी है, और पीजीटी के लिए ये एसटेट और सीटेट कंपलसरी नहीं है, बट बीएड यहाँ पर तीनों जो यहाँ डेजिग्नेशंस है उसके लिए कंपलसरी है इंक्लूडिंग। मैंने यहाँ एनटीटी और प्री प्राइमरी टीचर्स का नहीं लिखा, तो उनके लिए सीटेट एसटेट नहीं है, बट उनके लिए जो है जो भी उनका क्रिटेरिया है वो फॉलो करना पड़ेगा उनको। लाइक आपका जो भी पर्टिकुलर कोर्स है
उसमें आपका ब्रिज कोर्स जो भी इनका था वो होना चाहिए, जो भी इनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन थी वो होनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ही जो भी इनका एजुकेशन क्रिटेरिया है उसके अकॉर्डिंग आपको इसमें अप्लाई करना पड़ेगा। लास्ट में मैं एक प्रूफ भी बताऊंगा, जो नई रिक्रूटमेंट निकली है हिमाचल में उसमें CBT मांगा गया है और उन्हीं कैंडिडेट्स को बुलाया गया है जिनका CBT क्वालिफाई है। उसके बाद डेमो इंटरव्यू सिलेक्शन प्रोसेस के लिए प्रेपरेशन टिप्स मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगा, और ये टिप्स फॉलो करके 101% आपकी सिलेक्शन होगी इन DAVs। सो इसको ज़रूर देखिएगा, वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी आपके लिए, बिकॉज़ ये जो मैं इंफॉर्मेशन शेयर करूँगा आपके साथ प्रेपरेशन टिप्स, ये मैं एक्सपीरियंस टीचर से गाइडलाइंस ली हैं, उनके अकॉर्डिंग जो भी उनके टिप्स हैं, जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं, जो काफ़ी स्कूल्स वगैरह में जाकर इंटरव्यूज़ वगैरह लेते हैं, और जो जो कैंडिडेट्स में अप एंड डाउन्स होते हैं, कमियां होती हैं, वो सारी नोटिस करके मैंने एक पूरा डाटा कलेक्ट किया है। बस उसको मैंने अपलोड ही करना है यूट्यूब पे, जो भी मैंने डाटा कलेक्ट किया, तो उसका वेट करिएगा। और सैलरी वगैरह का क्या क्रिटेरिया है, ये आपको जब आपका वहाँ क्रिटेरिया होगा सिलेक्शन का, जब पैनल आपका इंटरव्यू लेगा उसी टाइम आपको सैलरी के बारे में बताया जाएगा। कोई ऐसा नहीं आया कि सैलरी PRT कितनी है, TSD कितनी है, PSD कितनी है, बट मेरे अकॉर्डिंग इस बार ये एक सेट कर देंगे कि PRT के लिए इतनी सैलरी रखेंगे, TGT के इतनी और PGT के लिए इतनी। बट ये भी डिपेंड करता है कि आपका एरिया कैसा है, उसमें कौन स्कूल में कौन सा पे स्केल चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग ये सैलरीज वेरी करेंगी। लास्ट में ये पोस्ट परमानेंट है या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है, ये देखिए पोस्टें आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर हैं, बट ये पोस्टें आपकी जो हैं जिन्होंने ज्वाइन कर लिया आफ्टर जो भी आपका एक्सपीरियंस रहेगा स्कूल में, आप कैसे टीच करते हैं, बच्चों का फीडबैक क्या है या प्रिंसिपल का फीडबैक क्या है, ये सारा कुछ जो भी पैनल होगा, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन जो प्रिंसिपल होते हैं, वो सारा कुछ देख के आपको जो आपकी डिटेल है फर्दर आगे प्रोसीड करेंगे, उसके बाद आपके परमानेंट के चांसेस होंगे। तो सारा कुछ ये हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन जो उसी पर डिपेंड करता है, ये नहीं कि आपने CBT क्वालिफाई कर लिया और DAV में जॉब कर लिया, चलो जी 3 साल बाद आप परमानेंट हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। सारा कुछ हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन से आपको मिलेगा जो भी इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग परमानेंट, तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर आपकी ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस चल रहा है। सो ये आपके मेन मेन डाउट्स थे जो मैंने आपके सामने क्लैरिफाई किए हैं, और काफ़ी बच्चों का ये भी कहना है कि CBT जो है मैक्सिमम बच्चों का क्वालिफाई कर दिया गया, कोई भी इनका क्रिटेरिया नहीं है, ना ही इन्होंने मार्क्स वगैरह शो किए हैं। अगर आपको भी लगता है कि काफ़ी बच्चों का इन्होंने ऐसे ही रिजल्ट अपडेट कर दिया है, मतलब कोई क्रिटेरिया वगैरह फॉलो नहीं किया था, ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। एंड ऑल्सो अगर फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, एंड ऑल्सो हिट ऑन बेल आइकन बटन, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा, सो डैट ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर किया उनके पास भी पहुंच सके। नाउ वीडियो के बीच में मैंने आपको बताया था कि मैं एक ऑफिशियल लेटर शो करूँगा एडवर्टाइजमेंट रिक्रूटमेंट नोटिस, तो वो मैं आपके सामने डिस्प्ले करता हूँ। सो ये देखिए, ये है एडवर्टाइजमेंट, ये आप देख सकते हैं DAV पब्लिक स्कूल मनाली की ये रिक्रूटमेंट है, ये आज ही अपडेट हुई है वेबसाइट पे, वॉकिन इंटरव्यू है। तो इसमें लिखा गया है रिक्वायर्ड टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ एज पर डिटेल। पोस्ट बताई गई है, सबसे पहले PGT की कंप्यूटर साइंस चाहिए, TGT के मैथ साइंस मेडिकल नॉन मेडिकल सोशल साइंस हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, और TGT कंप्यूटर साइंस का चाहिए। PRT कौन कौन से चाहिए, मैथ साइंस सोशल साइंस हिंदी इंग्लिश कंप्यूटर साइंस डांस डांस NTT KG क्लासेस के लिए आपको पता है। LDC भी यहाँ मांगे गए हैं, LDC में आपको ऑफिस वर्क के लिए चाहिए, स्टोर के लिए चाहिए, फीस रिसेप्शन के लिए चाहिए, क्लरिकल और स्टाफनर चाहिए फर्स्ट एड के लिए। यहाँ से ध्यान दीजिएगा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स फ्लुएंट इन इंग्लिश, कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए, एंड DAV CBT क्वालिफाइड कैन वॉक इन इंटरव्यू ऑन March 31 संडे शार्प 10 AM इन द स्कूल ऑफिस। स्पेशल नोट है, ओनली DAV CBT क्वालिफाइड कैंडिडेट्स आर एलिजिबल। क्वेश्चन आता है, राइज करता है कि जो ऑलरेडी DAV में जॉब कर रहे हैं, तो वह क्या उनका CBT जिनका क्वालिफाई नहीं हुआ, ही और शी इज़ एलिजिबल फॉर डैट जॉब और नॉट, तो वो इस आंसर के लिए हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, उस पर हम आपको इसका आंसर दे दूंगा। वहाँ हमारा एक डिस्कशन ग्रुप है जिस पे ऐसे क्वेश्चंस की डिस्कशन होती है, वहाँ पर आपको बिल्कुल एक्यूरेट आंसर मिलेगा। और ये जॉब आपकी ट्रांसफर रहेगी DAV पब्लिक स्कूल अक्रॉस इंडिया। सैलरी आपको मैंने बताया, सैलरी में नेगोशिएशन होगा इनका, ये नहीं है कि एक सैलरी सेट कर दी सभी की, वो होगी, बट
सैलरी जो भी है एज पर नॉर्म्स मेरे अकॉर्डिंग ये स्कूल ही सेट करेगा इसके अकॉर्डिंग। अगर यह होता है सैलरी एज पर डीएवी सीएमसी नॉर्म्स तो वो एक प्रॉपर सैलरी सेट होती, बट यहाँ नॉर्म्स के अकॉर्डिंग है, डीएवी सीएमसी के नॉर्म के अकॉर्डिंग नहीं है। आउटसोर्सिंग एजेंसीज कैन ऑल्सो कॉन्टेक्ट फॉर ग्रुप डी स्टाफ। इसमें यह होता है कि एजेंसीज होती हैं जो स्टाफ वगैरह कॉन्टेक्ट पे रखती हैं और वो आगे फर्दर अपना स्टाफ देती हैं। यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट नोटिस दी है, स्कूल मैनेजमेंट रिजर्व द राइट टू अबॉलिश एनी ऑफ द पोस्ट विदाउट असाइनिंग एनी रीज़न। तो ये भी अपडेट है। सो ये एक लेटेस्ट अपडेट आई है रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट इन डीएवी स्कूल हिमाचल। तो इसके रिगार्डिंग आपका क्या क्वेश्चन है तो ज़रूर बताइएगा। ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने शेयर की है लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है, ऐसे ही आपके जो भी स्कूल में अप्लाई करेंगे ऐसे एडवर्टाइजमेंट फ्लैश होगी, लेकिन ये आपको पता कहाँ से चलेगा कि कौन से स्कूल में अप्लाई करना और वहाँ पर कितनी वैकेंसीज है, इसका मैं जल्दी ही एक ऑफिशियल अपलोड कर दूंगा वीडियो जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि कौन कौन सा स्कूल कैसे कैसे एडवर्टाइजमेंट निकालेगा। तो उसके लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल का जरूर सब्सक्राइब करेगा फर्स्ट टाइम विजिट किया है, और कोई भी डाउट या आपकी क्यूरी है, कोई भी सजेशन लेना चाहते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स वगैरह लेना चाहते हैं जैसे मैंने आपको बताया प्रेपरेशन टिप्स के, तो उसके लिए ज़रूर हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करिएगा। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा फॉर फ्यूचर अपडेट्स।